हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस के लिए, कि उनका आने वाला ये महीना कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में कैसा होगा, और ये भी देखेंगे कि करियर वाइज ये महीना कैसे होने वाला है। देखिए, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो तब से ही आप देख सकते हैं कि आपका आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। तो ये मैं मीन राशि वालों के लिए करना चाहती हूँ ये रीडिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये बताऊंगी कि इस महीने की गाइडेंस क्या निकल के आती है आपके लिए इस महीने रिलेशनशिप के लिए। पहले मैं कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों की करियर लाइफ के लिए। रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां मुझे लग रही हैं आपकी लाइफ में। चीज़ें शायद उतनी स्मूद नहीं है या उतने अच्छे से नहीं चल रही हैं जैसा आप चाहते हैं। डेफिनेटली द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है इन रिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड अपराइट, फोर ऑफ कप इन रिवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे और कार्ड आपके लिए निकालने चाहिए ताकि मैं और अच्छे से इलेबोरेट कर सकूं। डेफिनेटली यह महीना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि महीने के शुरुआत में तो परेशानियां तो हैं यहाँ पे। जैसे मैं इस तरह के कार्ड देख रही हूँ तो ये मुझे ये तो दिखाते हैं कि कुछ परेशानियां आप लोगों में हैं। चीज़ें उतने स्मूथ नहीं हैं जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, हो सकता है ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही है, या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं। पहले भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी गई है, ये सिर्फ इस महीने की ही रीडिंग है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप का मुझे मतलब यही समझ में आ रहा है कि अभी रिलेशनशिप में टाइम ठीक नहीं होगा आपका। क्योंकि अगर आप किसी का मैसेज कर रहे हैं तो हाँ, यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ये मैसेज नहीं हो रहा है, नो कम्युनिकेशन में आप लोग हो। किसी भी तरह का कोई मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से उतना अच्छा नहीं आ रहा, या तो आ ही नहीं रहा, अगर आ भी रहा है तो उतना नहीं हो रहा। हो सकता आप दोनों में आर्गुमेंट हो जाते हैं, झगड़े आप लोग करते हो, मतलब ऐसा बिहेव एक दूसरे के साथ करते हैं कि आर्गुमेंट जीतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महीने की शुरुआत में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप करंट ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो अपने पार्टनर के साथ या फिर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी गलती को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ के लिए अगर अपने पार्टनर पे ही अगर ब्लेम लगा रहे हैं तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और रिवर्स का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आप इनजस्टिस बिहेवियर कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है आप अपने लेवल पे ठीक हैं, आप अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर के भी एंगल से सोचने की ज़रूरत है, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर बिल्कुल ही बातचीत बंद हो रही है। हो सकता है अगर आप ज़्यादा उनको फोर्स कर रहे हैं तो वो आपको ब्लॉक भी कर देते होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड में मुझे दिखा रहा है कि इस तरह की एनर्जी से अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी ये रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज आ सकता है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं उनके ऑफर को, अगर आप थोड़ा कुछ एक्शन लेने के मामले में सोच रहे हैं, अगर आप ये सलाह आपको लग रहा है कि आपको लेनी चाहिए, अगर आप वो एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा चेंज आप दोनों की रिलेशनशिप में आ सकता है। और ये अच्छा चेंज होगा आपकी लाइफ में क्योंकि मेरे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
ये जो झगड़े जो भी हो रहे हैं ये भी एक पर्पस के हिसाब से हो रहे हैं। एक दूसरे को आपको पेशेंसली आपको एक दूसरे को हैंडल करना है, एक दूसरे को समझना है, कटिंग वर्ड्स नहीं बोलने हैं। यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि आर्गुमेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं आप, लेकिन अपनी अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे हैं। अगर वो चीज़ें ठीक कर लें तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ अगर ये सजेशन आप फॉलो करते हैं तो। यह है मीन राशि वालों के लिए सजेशन। और मैं आप लोगों के लिए इस महीने के लिए करियर में भी देखना चाहती हूँ कि करियर में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आती है। करियर में मुझे लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, आपके पास में काफ़ी परेशानियां थी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या किसी टीम वर्क कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी। एक दूसरे के आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा था, आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा था, आप खुश नहीं थे अपनी करंट जॉब में या बिजनेस में, आपको उतना आउटकम नहीं आ रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो चीज़ें इस महीने काफ़ी आपको राहत पहुँचाने वाली हैं। तो कुछ मुझे लग रहा है कि आउटकम इस महीने आपको आएगा। कहीं ना कहीं से कुछ अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी, तो इस महीने मुझे वो चीज़ ठीक होती हुई दिख रही है कि कुछ फ्रीडम आपको भी मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में भी थे, अगर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी, तो अब चीज़ें इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है, फ्रीडम आपको मिलने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पे टीम वर्क की बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि आप टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं और वो काम अच्छा नहीं चल रहा है और वो चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन आप भी हैं, कहीं ना कहीं ईगो आप में भी है। तो आपको उस चीज़ को ठीक करना है, आपको अपने एक्सपीरियंस को, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उस चीज़ों को आप ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अपने रिसोर्स को आप ठीक से अभी इस महीने यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने स्किल्स को इस अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट में जो मुझे दिख रहा है उस चीज़ों को आप अभी तक लेके बैठे हैं। तो ये महीना पुरानी बातों को छोड़ के, ईगो को छोड़ के डिसिप्लिन लेके आने की मैं सलाह देती हूँ। आप अपने काम में डिसिप्लिन लेके आइए और कुछ एक्शन लीजिए। और मुझे लग रहा है कि महीने के एंड तक आप कुछ एक्शन लेंगे भी, क्योंकि जैसे आप स्टक थे अपने पास्ट में, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि टीम वर्क नहीं कर रही अच्छे से, टीम हैंडल नहीं हो रही है, या फिर आप लोगों की ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट है चीज़ें, लेकिन उस चीज़ का एक बड़ा इशू ये भी है कि आपके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो है ईगो की। उस चीज़ को आपको ख़त्म करना है, डिसिप्लिन आपको भी अपने अंदर लेके आना है, आपको ही अपने इस विजडम को यूज़ करना है। और जैसे ही आप ये चीज़ें कर लेते हैं, एक्शन लेते हैं उस चीज़ को लेके, या फिर आप ये सुझाव मांगते हैं, तो कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है आपके बिजनेस के लिए भी। डेफिनेटली द किंग ऑफ पेंटिकल, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मुझे इस महीने फाइनेंशियल लेवल महीने के एंड होते होते ही आपको मुझे दिख रहा है कि कहीं से अगर कुछ पैसा फंसा भी है तो वो ठीक आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप किसी नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको अपनी पसंद की भी जॉब मिलेगी। और काफ़ी हाई, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हाई लेवल पे है पोस्ट, अभी आपकी जो पोस्ट है वो किसी मैनेजर लेवल पे हो सकती है, किसी इसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आपको वहां से आउटकम बहुत अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप कहीं जजमेंटल हो जाते हैं, तो उस चीज़ को आपको नहीं करना है। अगर आप टीम में वर्क करते हैं तो हाँ, सबकी ओपिनियन में भी आपको भी सोचना है। हो सकता है आप टीम के साथ एक साथ नहीं कर पा रहे हो, अगर एक साथ आप टीम को एक साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, आप यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम को, यूनिटी नहीं है, तो उस वो चीज़ें भी आपके काम पे असर कर रही हैं, उस पे भी फ़र्क आ रहा है आपके काम पे। तो अगर आपका जजमेंटल बिहेवियर है, आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो दूसरों को भी जज करना आपको बंद करना चाहिए।
तो उसके बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। हो सकता है आपका जो काम है वो ट्रैवल बेस्ड है, मार्केटिंग का है, इस तरह का मुझे यहाँ पे काम लग रहा है कि कुछ बिजनेस ऐसा हो सकता है, या फिर अगर कहीं से अगर आपका पैसा अटका हुआ था यहाँ पे, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको वहाँ से भी आउटकम आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप हैंडल कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, ये महीने की शुरुआत में ही ऐसी एनर्जी निकल के आई है, पर महीने के एंड तक ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। होप गाइज आपको रेजोनेट की हो मेरी रीडिंग, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और मुझे लाइक की मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो आप देखते रहें, एंटरटेन होते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।